हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफी लोग काफी दिन से क्वेरीज दे रहे थे अपनी कि सर आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बहुत अच्छा बनाया, पार्ट फोर भी बहुत अच्छा बनाया। उसमें आपने कई चीजें बताई कि ये चीजें पढ़ना चाहिए, बट एग्जैक्टली जब उसको हम पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि उन्हें फाइनली एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की सीरीज बना दी जाए, जिसमें स्ट्रक्चर का क्लास वन से लेके 30-40 पार्ट तक जाएगा। 40 पार्ट्स तक में आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर दूं, हो सकता है ज्यादा भी जाए, आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। आज से हमने इसको स्टार्ट किया है। इसमें आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, मोटिवेशन नहीं मिलता मुझे कभी कभी। मैं जब एजुकेशन की वीडियोस डालता हूँ तो आप एक काम, आपसे सब फ्री में तो आपको करना है यार, मीन्स आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है, सिर्फ शेयर बटन पर क्लिक करके 10 फ्रेंड्स को शेयर करना है, एक फेसबुक आईडी से शेयर कर देना है। इसे क्या हो जाता है, आपको कुछ नहीं होता, बट मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं यार, काफी लोग देख रहे हैं और मुझे लगता है बनाना चाहिए। और जब ऐसा नहीं करते, तो अभी हाल ही में आप लोग ऐसा नहीं हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रहा था कि यार मैं इतना मेहनत करता हूँ जॉब करने के बावजूद, आपको फ्री, आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आप एक छोटी सी चीज नहीं कर सकते? इसका मतलब शायद कुछ लोग पढ़ना नहीं चाहते। जो नहीं पढ़ना चाहते उनको देखने की जरूरत नहीं है, बट जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज साथ में बने रहिए और आप अपनी क्वेरीज देते रहिए कि सर ये टॉपिक्स हम पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले दोस्तों समझने की जरूरत है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ना कहां से चाहिए। मीन्स कहां से स्टार्ट करूं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ूं? तो सबसे पहले स्टार्ट होती है कोई चीज एलिमेंट से, एलिमेंट से स्टार्ट होती है, राइट? आप बोलोगे हाँ जी सर, एलिमेंट से स्टार्ट होती है। बात करते हैं हम एलिमेंट्स की, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमको पढ़ने ही चाहिए। सबसे पहला एलिमेंट तो आपका बीम है ना बीम। अब जब बीम है तो बीम के बारे में पूरी स्टडी कर डालो यार, क्या स्टडी करना है सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको वीडियोस को फॉलो करना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगर आपके तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तभी यार मेरे तरफ से भी रिस्पॉन्स आपके लिए जाएगा, सॉरी। लेकिन अब बात करते हैं बीम में, कौन कौन सी बीम आपको पता है? फिक्स बीम पता है आपको? हाँ जी सर, कॉलेज में पढ़ा था। हाँ जी, फिक्स बीम एक होता है, करेक्ट है। सिंपली सपोर्टेड सुना है? वन साइड फिक्स, वन साइड रोलर, क्या होता है ये? सिंपली सपोर्टेड हो गया। कैंटिलीवर का नाम सुना है? हाँ जी सर, बहुत सुना है। एक साइड फिक्स होता है और एक साइड फ्री होता है। प्रॉप कैंटिलीवर का नाम सुना है क्या? हाँ जी सर, सुना है प्रॉप कैंटिलीवर के बारे में। कुछ लोगों ने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता है, यार बहुत इजी है, वन साइड फिक्स वन साइड रोलर, क्या होता है ये? प्रॉप कैंटिलीवर। देखा होगा कुछ लोगों को घरों के बाहर एक बड़ा सा बरामदा का टेरिस टाइप का निकला रहता है, वहां पर रोलर एक तरफ और एक तरफ, वो तो सनसेट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स के बीम्स है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दूसरा एलिमेंट कौन कौन से होते हैं बिल्डिंग में? कॉलम होता है ना भैया, चलो बात कर लेते हैं कॉलम की भी, ठीक है। पहले बीम अच्छे से याद कर लो, फिक्स सिंपली कैंटिलीवर प्रॉप कैंटिलीवर कंटिन्यूअस, ये इतने बीम्स को एकदम रट जाओ। चलिए बात कर लेते हैं कॉलम की। तो कॉलम इज अ वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर व्हिच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लैब बीम टू फुटिंग। हां जी दोस्तों, तो जब आपने कॉलम्स के बारे में जाना तो कॉलम्स के बारे में डीप में जानो यार, कॉलम्स के शेप कौन कौन से होते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसमें बहुत डीप में बताया है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये डिस्कस करूंगा, जो कॉलम आपको मेन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो है शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। L by D ratio is less than tall, short column. L by D is greater than tall, long column. और लोडिंग के अकॉर्डिंग भी जान सकते हो आप, लोडिंग के अकॉर्डिंग कितने कॉलम है, ये तो रहा स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम के दो टाइप है, एक है, चलिए इसी में डिस्कस कर लेते हैं, एक है शॉर्ट कॉलम, एक है लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम कौन सा है? L by D is less than tall, short column. L by D is greater than tall, long column. चलिए दूसरा भी डिस्कस कर लेते हैं, बेस्ड ऑन लोडिंग, एक्सियल लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग। एक्सियल मतलब जिसमें लोड सेंटर पे आए उसे क्या बोलते हैं? एक्सियल लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग मतलब लोड तो आए बट नॉट इन सेंटर। इसके दो पार्ट है, एक है यूनिएक्सियल, एक है बाईएक्सियल। आप बोलोगे यूनिएक्सियल में क्या होता है? लोड वन साइड से आए, लोड एक साइड से आए बट नॉट इन सेंटर। लोड दो साइड से आए बट नॉट इन सेंटर, तो क्या हो जाएगा? बाईएक्सियल हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया एक्सियल और बाईएक्सियल भी,
इसके बाद अगर हम बात करें बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट, तो आपको पता होना चाहिए टाइट कॉलम होता है, TIED टाइट कॉलम, उसके बाद एक होता है स्पाइरल कॉलम, एक होता है कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट मींस जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों लगा हो, कंपोजिट कॉलम होता है, मैंने उसमें डीप समझाया आपको। और इसके बाद जो दूसरा होता है बेस्ड ऑन टाइट कॉलम, टाइट कॉलम क्या होता है, जो आपने नॉर्मल रेनफोर्समेंट वाला कॉलम देखते हो, स्पाइरल कॉलम जो आपको सर्कुलर कॉलम होता है। अब एक बचा है बेस्ड ऑन शेप, शेप के अकॉर्डिंग आपने बहुत ढेर सारे देखे होंगे, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल, वाई टाइप विद आर्च, टी टाइप, एल टाइप, वी टाइप, ये सारे टाइप्स के कॉलम्स होते हैं, 9 टाइप्स के कॉलम्स है बेस्ड ऑन शेप। तो आपने कॉलम के बारे में जान लिया, एक एलिमेंट आपका हो गया, दूसरा एलिमेंट कौन सा आपका बीम है, वो भी आपको पता चल गया, और तीसरा एलिमेंट होता है आपका टाई मेंबर। आप बोलोगे सर टाई क्या होता है, ट्रस देखा है, राफ्टर होता है ट्रस में से, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टाई मेंबर है, कैरीज द एक्सियल लोड, एक्सियल लोड जो ऊपर से आ रहा है उसको कैरी करता है, इधर से और इधर से उसको रिलीज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टाई मेंबर। तो ये तीन मेंबर के बारे में एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए, टाई मेंबर, कॉलम और बीम। तो चलिए आपका एक सीरीज कंप्लीट हो गया, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है इसमें आपको एक चीज पता चल गया, क्या, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अब एलिमेंट के बाद क्या आता है, एलिमेंट के बाद आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। आप बोलोगे सर मैंने तो फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में सुना है, हाँ जी करेक्ट सुना है, एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, जो आपकी बिल्डिंगें हैं क्या है, ये फ्रेम स्ट्रक्चर है। दूसरा शायद आपने नहीं सुना हो, ट्रस स्ट्रक्चर, कुछ लोग देखे भी होंगे ट्रस स्ट्रक्चर, जो ट्रस मेंबर से बने हुए स्ट्रक्चर है, हाउ ट्रस, किंग ट्रस, क्वीन ट्रस, ये सारे ट्रस स्ट्रक्चर से जो बने स्ट्रक्चर उनको क्या बोलते हैं, ट्रस स्ट्रक्चर। आर्च टाइप स्ट्रक्चर आपने सुना है, आर्च टाइप स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, आर्च टाइप में ऊपर से स्लैब डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, आर्च साइड होते हैं। आर्च में भी दो टाइप्स होते हैं, एक में तो बीच में हिंज प्रोवाइड कर दिया जाता है स्लैब पड़ने पे, और एक में बिना हिंज के सिर्फ एक तरफ सिंपली सपोर्ट रख देते हैं, मतलब कि आपका एक तरफ ही सिंपली सपोर्टेड, दूसरी तरफ हिंज रख देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हिंज, आप कंफ्यूज नहीं मत होना, हिंज मतलब पिन भी होता है, पिन और हिंज एक ही सपोर्ट है। तो एक तरफ हिंज रख दिया, एक तरफ पिन रख दिया, एक तो हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आर्च टाइप विदाउट एनी अदर सपोर्ट, और एक होता है जिसमें बीच में भी सपोर्ट देते हैं, इंटरनल हिंज बोलते हैं उसको, इंटरनल हिंज, और एक तरफ सिंपली और एक तरफ हिंज दे ही रहे, तो क्या हो गया, आर्च टाइप हो गया। इसके बाद एक आता है दोस्तों केबल स्ट्रक्चर। अभी आजकल तो देखो हर जगह जो भी ब्रिज बन रहे हैं, कौन से बन रहे, केबल स्ट्रक्चर वाले ब्रिज बन रहे, राइट। तो ये चार टाइप्स के स्ट्रक्चर है जिनको आपको गांठ बांध के याद कर लेना है, कौन कौन से एक बार फिर से बता देता हूं, फ्रेम स्ट्रक्चर, ट्रस स्ट्रक्चर, आर्च टाइप स्ट्रक्चर और केबल स्ट्रक्चर। एलिमेंट आपको पता चल चुका है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पता चल चुका है, आगे क्या आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ लोडिंग, बस आपका काम खत्म। लोडिंग कैसे, आपने यूडीएल सुना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक वो टाइप का लोड होता है, एक होता है यूबीएल, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, सुना ही होगा, ठीक है, नहीं सुना है तो मैं बता दूं आपको, एक साइड से ऐसे इंक्रीज होता चला जाता है लोड। आपने पॉइंट लोड सुना है, बीच बीच में पॉइंट्स पड़ जाते हैं, पॉइंट लोड 10 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन पॉइंट लोड पड़ जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सुना है, यहाँ पे 10 किलोन्यूटन, यहाँ 20 किलोन्यूटन, यहाँ 25 किलोन्यूटन, इस तरीके से वेरी करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आप ये मत सोचना कि डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड सेम है, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी लोड हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में, और एक रेंज होता है कि यहां से लेके यहां तक, खत्म। कपल लोड सुना है, कुछ लोग बोले कपल लोड तो नहीं सुना है, मोमेंट लोड सुना होगा ना आपने, कंसंट्रेटेड मोमेंट, 10 किलोन्यूटन का कंसंट्रेटेड मोमेंट, 20 किलोन्यूटन का कंसंट्रेटेड मोमेंट, उसी को कपल लोड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लोड ध्यान रख के याद रखना है, लोड के बारे में थोड़ी सी स्टडी करके रखनी है, पहला है कपल, ठीक है, दूसरा पॉइंट लोड, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, चौथा यूबीएल, पांचवा यूडीएल। आपको लोड के बारे में भी पता चल गया, तो आपने देखा कि लोड, एलिमेंट और टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, आपने तीनों क्लियर कर लिया होगा इस वीडियो से, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इसी तरीके से
बहुत ज्यादा बोरिंग वाले टॉपिक हमको नहीं पढ़ाने, जो हमें लगेंगे कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। इवन नॉट ओनली इंटरव्यू, आपका एग्जाम भी अगर है तो आप एग्जाम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। पूरा का पूरा सीरीज में खत्म करने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट करके आपको इसी तरीके से समझा दूंगा कि एकदम कंफर्म हो जाएगा। कुछ जगहों पे बोर्ड लगेगा तो मैं बोर्ड पे भी आपको न्यूमेरिकल्स भी करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको सहयोग करना है। सहयोग ये करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे फ्री वीडियो बना सकते हैं, इतना हमारा भी तो टाइम है ना। तो प्लीज आज मुझे थोड़ा सा इसीलिए समझाना था आपको कि प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे हम और ज्यादा टॉपिक्स लेके आ सकें, और उसको शेयर करो जिसको नीड है इसकी, क्योंकि इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ, पूरा सोम सिखाने वाला हूँ, बस आप सहयोग करते रहो, देखना आपको सारे सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में एकदम क्लियर करा दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन स्ट्रक्चर एनालिसिस। जय हिंद।